यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था पांच लोगों का, मैंने कहा पांच लोग आ जाइए, पांच लोग के बाद आधे घंटे दस मिनट के बाद कहते हम दस लोग आएंगे, हमने कहा दस लोग आ जाइए, फिर बोले जनता से मिलिए, मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस सुसु को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए, सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था, फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे, हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी महुआ मेहत्रा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी, जिस शिशु को लेकर के उस संबंध में बात करिए, लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है कि ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ढाई घंटा बैठी रही, ढाई घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ, और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई, अध्यक्ष महोदय मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ, इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया, मैं ढाई घंटा बैठी रही, मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें, मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে সংসদে ফের প্রশ্ন তুললেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেটা বলছেন, এই 100 দিনের কাজের যে বকেয়া তার দাবি নিয়ে গিরিরাজ সিং, যিনি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী, তার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছিলাম, গিরিরাজ সিং না থাকায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ঘরের কাছে 2.5 ঘন্টা অপেক্ষা করেছিলাম। 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়, বাংলায় 38,000 গ্রামের মধ্যে যে গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই গ্রামের টাকা বন্ধ করুন, গোটা রাজ্যের কেন টাকা আটকে দিচ্ছেন, 2 বছর ধরে টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, লোকসভায় গিরিরাজ সিং এর কাছে দাবি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তৃণমূল 8 ঘন্টা সময় চেয়েছিল 5 জনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, পাল্টা দাবি করছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি, প্রথমে 5 জন পরে তৃণমূলের তরফে জানানো হয় যে 10 জন আসবে, 8 ঘন্টার জন্য সময় চেয়েছিল, আমি 2.5 ঘন্টা ধরে অফিসে বসেছিলাম, পরে বলা হয় তৃণমূলের সব সাংসদ আসবে, আমি তাও বলেছিলাম আসুন, কিন্তু এদের টাকা চায় না, এরা নিজেরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়, বাংলার মানুষের জন্য এদের কোনো চিন্তা নেই, লোকসভায় পাল্টা দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। গিরিরাজ সিং জি কা দেখতে সে মেরা প্রশ্ন আজ আতে হয়, নমস্কার, তো আপকো ইয়ে পুছনা বার বার বলতে হয়, আপসে হম লোগো নে মিলা থা, আপ লোগো নে ভি জবাব দিয়া থা কি मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें, हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया सर, आपका कल विषय आ गया था सर, प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना ये सबको लिए आप लोग करप्शन करप्शन ये सब बात उठाते हैं सर, ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गाँव है, जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना, पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से, 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है सर।